स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री जहां हर कोई अपनी लाइफ में जरूर जाना चाहता है। अल्पस पहाड़ियों से घिरा ये देश यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। इसकी कैपिटल सिटी बर्न है। स्विट्जरलैंड के आसपास ही इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह। स्विट्जरलैंड के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए लोग दुनिया भर से विजिट करते हैं। अगर आप अर्थ पर स्वर्ग जैसा अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार स्विट्जरलैंड की यात्रा जरूर करना चाहिए। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन 86 लाख के आसपास है और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की लैंग्वेज स्विस जर्मन, वैसे यहाँ पर स्विस इटालियन और स्विस फ्रेंच भी बोली जाती है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रांस है और एक स्विस फ्रांस हमारे भारत के लगभग 80 रुपए के बराबर है। स्विट्जरलैंड का टाइम इंडिया से 3.5 घंटे पीछे चलता है। स्विट्जरलैंड में कई सारे टूरिस्ट पैलेसेस है। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ ही पैलेसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैसे स्विट्जरलैंड के कैपिटल तो बर्न है लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है और इंडिया से यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट सिटी ज्यूरिख ही है। ज्यूरिख सिटी की एयरपोर्ट यहाँ की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस शहर को इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्त के लिए जाना जाता है। पर्यटकों के लिए इस शहर में कई चर्च, म्यूजियम, थिएटर और झीलें आदि देखने को मिल जाएंगे। इनके साथ ही रात में पार्टी या नाच गाने करना है तो ज्यूरिख नाइट क्लब बहुत फेमस है। बेसल स्विट्जरलैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में बेसल शहर को भी गिना जाता है। ये आकर्षक शहर प्राकृतिक परिसीमाओं से भरा रहता है। यहाँ आप दूर दूर तक हरे भरे वातावरण का नजारा देख सकते हैं। बेसल में कई सारे म्यूजियम और कई सारी प्राचीन दुकानें भी मौजूद हैं। जिनेवा जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड की खूबसूरत जगहों में शामिल है। इसे स्विट्जरलैंड का सबसे शांत शहर भी माना जाता है। अगर आपको चॉकलेट्स या घड़ियों का बहुत शौक है तो इस शहर के मालस और शौक के चक्कर जरूर लगाइए। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक घड़ियाँ और तरह तरह की चॉकलेट्स देखने को मिल जाएंगे। जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स के अलावा कई घूमने लायक जगह भी हैं। इनमें कुछ जैसे जिनेवा लेक, ओबेरा हाउस और आर्केस्ट्रा बकाई काबिल तारीफ है। ल्यूसर्न शहर में स्विट्जरलैंड की चौथी सबसे बड़ी झील मौजूद है। ये शहर भले ही छोटा है लेकिन कई आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी। इस शहर में लोग यहाँ के कई साल पुराने ब्रिज पर भी घूमने आते हैं। लौसन शहर अंगूरों के बागों के लिए जाना जाता है। लौसन शहर स्पोर्ट्स के लिए भी बेहद फेमस है। यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। द राइन फॉल्स स्विट्जरलैंड की बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत जगह है। बर्फ के पहाड़ों और वाटरफॉल्स का नजारा देखने के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ के पहाड़ों से जब बर्फ पिघलकर गिरती है तो नजारा और भी रोमांटिक हो जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ पर राइन नदी पर बोटिंग का भी मजा लेने आते हैं। ओबरहोफेन कैसल को स्विट्जरलैंड के रोमांटिक पैलेसेस में गिना जाता है। ये शानदार महल थून नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि एक मशहूर ऐतिहासिक जगह भी है। इस महल में कई प्राचीन स्मारक और म्यूजियम भी है। इसके अलावा ओबरहोफेन कैसल पार्क में भी टूरिस्टों की भीड़ जमा रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्विट्जरलैंड की यात्रा करना चाहते हैं तो इंडिया के शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और कोची से स्विट्जरलैंड के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से आपको ज्यूरिख के लिए 35,000 रुपीस तक फ्लाइट मिल जाएगी और यहां पहुंचने में आपको 11 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आपके पास यहां की वीज़ा यानी शेंगेन वीज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीज़ा की कॉस्ट आपको 7,200 रुपीस तक पड़ सकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को कई फिल्मों में दिखाया गया है। ये जगह फिल्मी दुनिया में भी बेहद फेमस है।